हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग? फिर से एक बार नए वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सैमसंग मोबाइल के अंदर कॉलर आईडी पे अपने को सेट कैसे करें। कोई भी किसी का भी फ़ोन आता है, हम लोग कोई फ़ोटो या तो कोई वीडियो कैसे सेट करें। तो वो जानने से पहले, हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो अभी सबसे पहले हमें डायल पैड में जाना है और जाने के बाद यहाँ पे आप थ्री डॉट देख रहे हो, थ्री डॉट पे टच करना है। टच करने के बाद आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको कॉल बैकग्राउंड पे जाना है। कॉल बैकग्राउंड पे जाके आपको सिम सिलेक्ट करना है कि कौन से सिम पे आप सिलेक्ट करना चाहते हो। तो आपका जो रेगुलर ही सिम है उस पर भी आप कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं दूसरा नंबर का सिम ले लेता हूँ, बैकग्राउंड पे टच करूँगा तो इसलिए ओपन हो जाएगा। ये मैंने कई दिन पहले ये रखा था पर मैंने उससे निकाल लिया था। तो जैसे कि आप, तो आपको गैलरी में से चॉइस करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट फ्रॉम गैलरी, गैलरी में से भी आप ले सकते हैं। और आपको कोई फ़ोटो लेना है तो फ़ोटो भी आप वहाँ से ले सकते हैं और लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैं अभी इसको लगा दूंगा। इसे सेट करने के लिए यहाँ पे सेट कॉल बैकग्राउंड, आप चाहे तो इस वीडियो का साउंड भी ऑन कर सकते हैं अपनी अपनी रिंगटोन के साइड। आपको यूज़ नहीं करना तो इसे रहने दे। सेटर्स कॉल बैकग्राउंड पे आप टच करेंगे तो ये सेट हो जाएगा। और उसे अपने के लिए, जैसे कि आपने सही से लगाया नहीं है तो भी ट्रायल करते थे हम लोग। यहाँ पे नीचे दो नंबर सेलेक्ट करेंगे, हम दो नंबर में लगाए हैं अभी। वीडियो अच्छा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और मिलते हैं जल्दी से नए वीडियो के साथ, और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि क्योंकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए।